पूरे बिहार से तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र राजभवन को हम लोग घेरने, पैसा नहीं होने के कारण वो बिना एडमिशन लिए वापस चले गए। तो केंद्र सरकार की जो योजना है जिसके इशारे पर राज्यपाल नाच रहे हैं और पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने का जो ठेका ले रखा है उन्होंने, हम बिहार के विश्वविद्यालय को बर्बाद नहीं होने देंगे। भाजपा वाले के पास मुंह नहीं है सड़क उतरने का। जब वो सत्ता में थे तब तो कुछ हुआ नहीं, केंद्र में है जो सालाना 2 करोड़ रोजगार हुआ है, मान लीजिए 9 साल हो गया ना, 18 करोड़ रोजगार का तो हुआ नहीं। नई शिक्षा नीति जो बिहार के अंदर में महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो लाया जा रहा है, सबसे पहले राज्यपाल जी इस पर रोक लगा, इसको बिहार में नहीं लाया जाए। लाठी भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, निकलते हैं, फिर प्रोटेस्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति का एक ही इलाज, राजभवन मार्च, राजभवन मार्च, भेड़िया का चादर ओढ़ करके समर्थन में उतर जाना। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आयशा के लोग ने ऐलान कर दिया है महा आंदोलन होगा। बताइए कि आंदोलन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले, सड़क 17 जुलाई को राजभवन मार्च है आयशा का। पूरे बिहार से तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र स्नातक कोर्स में जो व्यापक फीस वृद्धि हुआ है उसके खिलाफ तमाम बिहार के छात्र एकजुट होंगे और राजभवन को हम लोग घेरने। क्यों राजभवन पहुंचेंगे, क्या मांग अपना? सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति के कारण बिहार के तमाम जो गरीब दलित पिछड़े हैं वो अब कैंपसों से दूर जा रहे हैं। पैसा बढ़ने के कारण हम लोग जो एडमिशन हेल्पडेस्क लगाते हैं, कई छात्र ऐसे आए जो बिहार के सुदूर जिलों से थे और पैसा नहीं होने के कारण वो बिना एडमिशन लिए वापस चले गए। तो केंद्र सरकार की जो योजना है जिसके इशारे पर राज्यपाल नाच रहे हैं और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का जो ठेका ले रखा है उन्होंने, हम बिहार के विश्वविद्यालय को बर्बाद नहीं होने देंगे। और 17 जुलाई को बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर राजभवन को घेरेंगे। कल भाजपा वाले सड़क पर उतरेंगे शिक्षकों को लेकर। भाजपा वाले के पास मुंह नहीं है सड़क पर उतरने का। जब नहीं है मुंह, उतर रहे शिक्षकों के हित में, उतर रहे तमाशा कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तब तो कुछ हुआ नहीं, केंद्र में है जो सालाना 2 करोड़ रोजगार हुआ है, मान लीजिए 9 साल हो गया ना, 18 करोड़ रोजगार का तो हुआ नहीं। अब जो है कि गठबंधन की सरकार कर देगी सब चीज़, बिल्कुल करेगी, करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी तो साथ थे। हाँ, तो बात हुई है कि भाई करेंगे विधानसभा। मैंने जो देखा है अखबारों के माध्यम से ही कि विधानसभा कार्यवाही के बाद तमाम जो महागठबंधन की पार्टियां हैं वो इस पर बैठेंगे और इसका समाधान होगा, राजभवन जाके रहेंगे। हाँ, 17 जुलाई को राजभवन मार्च होगा, पक्का है। चलिए बताइए कि राजभवन मार्च होगा, ये तो कह दिए शिक्षकों की बात, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना है? बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या है सबसे? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी सहित पूरे देश भर की जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर देने वाली, उसको ख़त्म कर देने वाली नीति सही नई शिक्षा नीति है। और ये बात 2020 से हम लोग कह रहे हैं और उसका प्रभाव अब दिख रहा है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 10-10 गुना फीस वृद्धि हुआ है। और जो साथी बता रहे थे कि उसमें अब गरीब मध्यवर्ग के किसान घर से आने वाले आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का अब कोई जगह सरकारी विश्वविद्यालयों में नहीं रहेगा, जिस तरह से फीस वृद्धि हुई है। और जो FYUP कोर्स है उसको हम लोग सारने के लिए सोचना पड़ेगा, बिल्कुल। और FYUP कोर्स मोटी मोटी फीस पे सस्ता मजदूर बनाने का कोर्स है और इसीलिए हम लोग साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि हम कहीं से भी सस्ता मजदूर नहीं बनने जा रहे हैं। हम एक डिग्निटी के साथ हम जो रिसर्च बेस्ड पढ़ाई है वो हम करेंगे, ग्रेजुएशन हो, MA हो, PhD हो, हमें पूरी तरह से स्वतंत्र एक पढ़ाई करने के लिहाज से जो विश्वविद्यालय का एक सेटअप है बनाया गया है उसको बचाना है, वो होना चाहिए। सस्ती शिक्षा मुहैया होना चाहिए, सबको सम्मानजनक रोजगार मुहैया होना चाहिए। चलिए देखिए, आप बताइए कि 17 तारीख को जा रहे हैं राजभवन, मांग है? मांग तो सबसे पहले है कि जो नई शिक्षा नीति जो बिहार के अंदर में महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो लाया जा रहा है, सबसे पहले राज्यपाल जी इस पर रोक लगाए, इसको बिहार में नहीं लाया जाए। अब देखिए, बिहार में नहीं लाया जाए, नहीं, बिहार का जो पृष्ठभूमि है, एक साल बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बवाल तो होगा, बच्चों का संकट होगा और शिक्षा जो लेना भी लोग चाह रहे हो वो नहीं ले पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, समय बढ़ जाएगा तो पैसा भी बहुत सब चीज बढ़ेगा, उनको जीवन पर संकट पड़ेगा। अब बिहार जैसे जो बिहार राज्य है, राज्य में देखिए, एक तरफ सुखा रहता है, एक तरफ बाढ़ आता है, जो गरीब मजदूर किसान है तो उनके बेटा बेटी है वो शिक्षा लेने से महरूम हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। एक कटेगा नहीं पढ़ेगा, जिनके पास पैसा रहेगा वही पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा रहेगा वही पढ़ेगा, कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों की दरअसल मांग ये है, जो सरकार जो पॉलिसी ला करके जो फीस वृद्धि हुआ है उसको खत्म किया जाए। वेलफेयर स्टेट के नाम पे जो हिंदुस्तान में लूट चल रही है, लूट चल रही है, उस सरकार उस वेलफेयर स्टेट की पर डिफाइन करे। हमारी मांग है 17 तारीख को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वापस ले और बिहार सरकार अपने विधानसभा से बिल ला करके और इस बिल को वापस करें,
और बिहार के तमाम सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है उसका फील बिल्कुल जीरो रुपया होना चाहिए, जीरो रुपया होना चाहिए, एक रुपया फीस नहीं होना चाहिए, एक रुपया नहीं होना चाहिए, नहीं मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। मुफ्त शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के लिए बोला जाता है केजी से पीजी तक का पढ़ाई जो है मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप देख रहे रिजर्वेशन शब्द का जिक्र बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ऐसे में जो लड़कियों की जो भागीदारी होता है शिक्षा के क्षेत्र में वो बिल्कुल घट जाएगी, एकदम से हट जाएगी, और जो भी निम्न वर्ग है मध्य वर्ग है 17 तारीख को उतरेंगी तो लाठी भी चलेगी, लाठी चलेगी तो लाठी खाते भी, ऐसा थोड़ी है फर्स्ट टाइम हम लोग उतर रहे हैं, हमेशा उतरते रहते हैं, ऐसी जब भी शिक्षा पे वार होता है स्टूडेंट पे वार होता है तो हम लोग उतरते रहते हैं, लाठी भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, निकलते हैं, फिर आप प्रोटेस्ट करते हैं, फिर करते हैं 17 तारीख को फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के राजभवन का हमने नारा ही दिया है कि 17 मार्च को 17 जुलाई को राजभवन को घेर लो। बिहार में अब बिहार के विश्वविद्यालयों को पैसा उगाही का अड्डा बना दिया गया है, फीस तो पढ़ाई का लिया जा रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल छात्रों से वसूला जाएगा, बिल्डिंग बिजली बिल दो, बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज दो, लाइब्रेरी चार्ज तो दो, लाइब्रेरी मेंटेनेंस चार्ज दो, तो आप बिहार के विश्वविद्यालय पैसा लेते हैं तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं वो तो सबको दिखता है कि क्या करते हैं ये लोग। बिहार के जर्जर विश्वविद्यालयों को ये राज्यपाल जो आए हैं ये भाजपाई तरीके से काम कर रहे हैं, भाजपा के इशारे पर, और खत्म कर देने के लिए कर रहे हैं उसको। 17 तारीख को उतरेंगे जोश के साथ, बिल्कुल जोश के साथ उतरेंगे और राजभवन के साथ और ये इस FYUP के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हम लोग उतरेंगे। चलिए 17 तारीख को उतरेंगे जोश के साथ, लाठी भी चलेगी। बिल्कुल लाठी चलेगी, लाठी खाने के लिए तैयार है। जब भी ये ऐसी स्थिति बनती है कि हम लोग छात्रों के समर्थन में हम लोगों को उतरना हो तब भी तब तक हम लोग उतरते हैं। आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में अभी 6000 शिक्षक की भर्तियाँ जो है रिक्त पड़ा हुआ है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती उसको नहीं किया जा रहा है, सेशन लेट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में या जो मगध यूनिवर्सिटी है 6 साल हो गया वहाँ के बच्चों को डिग्रियाँ नहीं मिल रही, अगर कोई साइकोलॉजी में है तो उसको फिजिक्स का डिग्री मिल जा रहा है, तो ये सारे चीज़ें जो चल रही है तो इन सारे चीज़ों के खिलाफ ये जो हम लोगों ने नारा दिया है कि नई शिक्षा नीति का एक ही इलाज राजभवन मार्च बिल्कुल शिक्षकों के लिए भी जाएंगे, शिक्षकों के लिए भी जाएंगे, छात्रों के लिए भी जाएंगे और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा वाले कल प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या बोलिएगा, तो शिक्षकों के हित में उतर रहे हैं भाजपा वाले, यही भाजपा वाले हैं जो 2 साल पहले शिक्षकों को बोल रहे थे कि तुम लोगों का कुछ नहीं होगा और आज जो है इनके समर्थन का पोस्टर लगा आपको दिखा, बिल्कुल आप देखिए, मतलब इन लोगों का जो है एक जिसको कहते हैं भेड़िया का चादर ओढ़ करके और समर्थन में उतर जाना, मतलब अंदर खोखला है बाहर से हम अंदर खोखला है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं रोज शिक्षकों के लिए, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं सदन में आवाज उठा रहे हैं शिक्षकों के लिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति जैसी ऐसी कानून जो गरीबों को मध्यम वर्ग के लोगों को किसानों के बच्चे को मजदूरों के बच्चे को शिक्षा से दूर कर दे वंचित कर दे वैसी शिक्षा नीति क्यों लाए, ये उतरेंगे 17 बिल्कुल उतरेंगे। देखिए आयशा के लोग थे हमारे साथ, साफ कह दिए कि फीस वृद्धि के बारे में और पटना यूनिवर्सिटी के बारे में और शिक्षकों के बारे में बोल दिए हैं कि 17 तारीख को उतरेंगे और भाजपा गौरवगढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ कहना है तो आपने सुना है तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब कर विजिट कर, धन्यवाद।